हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं संपदा कुलकर्णी आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल टेक टॉक्स में। आज मैं आपको हफमन कोडिंग एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो चलो देखते हैं हफमन कोडिंग क्या होता है। हफमन कोडिंग जो होता है वो एक अल्गोरिदम है जो हम यूज करते हैं डेटा कॉम्प्रेशन के लिए। और इसकी एक खासियत है, ये जो डेटा कॉम्प्रेस करता है वो बिल्कुल लॉसलेस होता है। मतलब कॉम्प्रेशन करने के बाद कुछ भी डेटा लॉस नहीं होता है। तो ये जो आइडिया है वो बेसिकली फ्रीक्वेंसीज पे निर्भर है। जो कुछ भी फ्रीक्वेंसीज होती है कैरेक्टर्स की जो हमें कॉम्प्रेस करना है, वो फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हम हफमन कोड जनरेट करते हैं। और एक बात है कि अगर फ्रीक्वेंसी कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी अगर ज्यादा होती है तो जो जनरेट होने वाला कोड है वो छोटा हो जाता है, और जिसका फ्रीक्वेंसी कम होता है उसके लिए कोड जो जनरेट होता है वो बड़ा होता है। उससे पहले फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ये होता है जबकि हमारा कैरेक्टर जो कुछ मैसेज हम कंप्रेस करने वाले हैं उसमें कितनी बार अपीयर हुआ है, वो हर एक कैरेक्टर काउंट करता है कितनी बार अपीयर हुआ है, उसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ एनी पर्टिकुलर कैरेक्टर। तो चलो देखते हैं कि उसके लिए स्टेप्स हमें क्या क्या फॉलो करनी है। सबसे पहले देखते हैं कौन कौन सी स्टेप्स हमें फॉलो करनी है जो कि हम यूज कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ हफमन ट्री। कैसे बिल्ड करते हैं हफमन ट्री? तो सबसे पहला स्टेप है, जो कुछ हमारे पास कैरेक्टर्स है वो हर एक कैरेक्टर के लिए हमें एक एक लीफ नोड बनाना है, और हमें ये भी देखना है कि वो सारे लीफ नोड मीन हिप ट्री है या नहीं। तो अभी मीन हिप क्या होता है? मीन हिप ये एक डेटा स्ट्रक्चर है। इसके लिए आप मेरे चैनल में मीन हिप करके वीडियो सर्च कर सकते हैं जो कि आपको एक्सप्लेन करेगा मीन हिप क्या होता है। उसके बाद आप ये करंट वाला वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलो अभी मानते हैं आपको मीन हिप पता है। तो अगला स्टेप हमें क्या करना है, वो जो कैरेक्टर्स है उसके साथ उसका फ्रीक्वेंसी भी है उसमें से हमें सबसे छोटे वाले दो नोड्स एक्सट्रैक्ट करने हैं, सिलेक्ट करने हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे कम हो। ऐसे दो नोड्स हमें सिलेक्ट करने हैं। वो सिलेक्ट करके अब बाद में हमें क्या करना है? तो वो सिलेक्ट करने के बाद हमें और एक नोड क्रिएट करना है जिसे हम अभी बोलने वाले हैं इंटरनल नोड, और उसको क्या फ्रीक्वेंसी असाइन करेंगे। तो जो कुछ हमने यहाँ पे दो नोड सिलेक्ट किए थे जिसका मिनिमम फ्रीक्वेंसी था उसका हम सम यहाँ पे परफॉर्म करेंगे, मतलब कि एडिशन करेंगे उनके फ्रीक्वेंसीज का, और वो जो एडिशन का रिजल्ट होगा वो हम फ्रीक्वेंसी वो इंटरनल नोड को असाइन कर देंगे। उसके बाद क्या करना है? अभी इंटरनल नोड तो हमने बना दिया, हमने एडिशन भी कर दी, वो जो एडिशन आई थी वो हमने इंटरनल नोड को असाइन भी कर दी, लेकिन अभी ये इंटरनल नोड जो बना हुआ है वो कहाँ से बना है? वो उस दो नोड से बना हुआ है जिनका फ्रीक्वेंसी सबसे कम था। तो वो जो दो नोड होंगे ना, वो दो नोड हम बनाएंगे एज अ लेफ्ट चाइल्ड एंड अ राइट चाइल्ड। ऐसे हम ये जो दो नोड से नया वाला इंटरनल नोड बनाया हुआ है वो इंटरनल नोड हम उसको रूट बना देंगे, और उसका जो लेफ्ट चाइल्ड होगा वो होगा पहला नोड Who was having the minimum frequency, और जो right child होगा वो
दूसरा नोड होगा, ये जो दो नोड हमने लिए थे उसमें का जो दूसरा नोड होगा उसका भी फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगा, तो वो बन जाएगा अभी रेड चाइल्ड। वो बनाने के बाद फिर से हमें क्या करना है, तो ये जो इंटरनल नोड है जो हमने अभी ये स्टेप नंबर 3 में बनाया था, वो इंटरनल नोड हमें रीअरेंज करना है जिससे हिप प्रॉपर्टी मेंटेन रहे, मिन हिप का प्रॉपर्टी मेंटेन रहे, ऐसे हमें वो बनाना है। अभी शायद आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं आपको क्या बोल रही हूँ, आगे जाके मैं आपको एक एग्जांपल बताने वाली हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो सब बातें मैं बोल रही हूँ वो क्या है और वो कैसे करना है। तो चलो, जो लास्ट स्टेप होगा हमारा वो उसमें हम स्टेप 2 और 3 रिपीटेडली परफॉर्म करने वाले हैं, और एट द एंड आपका हफमन ट्री जनरेट हो जाएगा जिससे आपके सभी कैरेक्टर्स जो हमने लिए थे, वो हर एक का नोड हमने बनाया था, वो सभी एडिशन करने के बाद, ये जो स्टेप हम फॉलो करने वाले हैं, एक 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 एडिशन करने के बाद वो सारे खत्म हो जाएंगे, उसका मतलब कि हमारा ट्री बन के तैयार हुआ है। अभी ये तो सिर्फ ट्री बना के हमारा तैयार हो गया है, अभी उसको कोड में कन्वर्ट करना बाकी है। तो उसको कोड में कन्वर्ट करने के लिए भी कुछ स्टेप्स है, तो उसके लिए हमें क्या करना है, जो अभी हमारा ट्री तैयार हो गया है हफमन ट्री, उसे हमें ट्रैवर्स करना है। तो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे वो ट्रैवर्सिंग, रूट से स्टार्ट कर देंगे। रूट से स्टार्ट करने के बाद साइड बाय साइड हमें एक ऑक्सिलरी एरे भी मेंटेन करना है। वो किस लिए मेंटेन करना है, तो वो ऑक्सिलरी एरे में हम क्या रखने वाले हैं, तो जो कुछ हम ट्रैवर्स करने वाले हैं ऑक्सिलरी एरे में, उसमें हम अगर लेफ्ट चाइल्ड को मूव हो रहे हैं तो वो एरे में हम 0 लिख देंगे, और अगर हम राइट चाइल्ड को मूव हो रहे हैं तो उसमें हम 1 लिख देंगे, वो एरे जो ऑक्सिलरी एरे हम मेंटेन करने वाले हैं उसमें हम 1 लिख देंगे। सो आपको बस इतना याद रखना है कि आपको रूट से स्टार्ट करना है, फॉर द एवरी लेफ्ट चाइल्ड हमें वहां पे 0 लिख देना है, और जो हमारा एवरी राइट चाइल्ड होगा उसमें हमें 1 लिख देना है, और उसके बाद हमें वो जो ऑक्सिलरी एरे बन रहे हैं हर एक लीफ नोड के लिए, वो हमें बस प्रिंट कर देने हैं। वो जो प्रिंट कर देंगे वही आपका हफमन कोड बन जाएगा। तो चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले ये हमने एक टेबल लिया है जिसमें हम 5 कैरेक्टर ले रहे हैं और उसका ऑकरेंस यहाँ पे लिख रहे हैं, मतलब कि उसका फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिख रहे हैं। हर एक कैरेक्टर का अलग अलग फ्रीक्वेंसी यहाँ पे लिखा हुआ है। हमें ये एक बात याद रखनी है, ये सारी फ्रीक्वेंसी हमें अरेंज करनी है यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में। तो अभी ये जो एग्जांपल लिया हुआ है इसमें ये बाय डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर में है, लेकिन अगर आप कोई और एग्जांपल सॉल्व करने वाले हो और उसमें ये फ्रीक्वेंसीज अरेंज नहीं है तो वो आपको अरेंज कर लेनी है, फॉर उसके लिए रिस्पेक्टिवली कैरेक्टर का भी सीक्वेंस चेंज हो जाएगा। अभी देखते हैं कि पहले स्टेप हमें क्या लेनी है। तो हर एक कैरेक्टर के लिए, अभी 6 कैरेक्टर थे तो हर एक कैरेक्टर के लिए हमें हर एक सेपरेट रूट नोड बनाना है विथ अ सिंगल नोड, और वो भी हमें मीन हिप का प्रॉपर्टी फॉलो करके बनाना है। तो चलो ये 6 नोड हमने बना लिए हर एक कैरेक्टर के लिए अलग सेपरेट नोड, एंड यहाँ पे हमने उसका फ्रीक्वेंसीज भी लिख लिया है। आगे जाके हमें क्या करना है, मिनिमम जिसका 2 नोड का फ्रीक्वेंसी सबसे कम है वो हमें सिलेक्ट करना है और उसका एडिशन करना है। एडिशन यहाँ पे 14 आ रहा है, एक नया इंटरनल नोड क्रिएट कर दिया, उसको फ्रीक्वेंसी असाइन कर दी, उसका लेफ्ट चाइल्ड हमने ए बना दिया और राइट चाइल्ड हमने बी बना लिया। ये सब हमने वो एल्गोरिदम ने देखा था कि हमें क्या स्टेप्स फॉलो करनी है। अभी इसके बाद हमें ये सारे नोड्स रीअरेंज करने हैं, मतलब ये 14 वी आर गोइंग टू रीअरेंज इन बिटवीन समवेयर सी डी ई एंड एफ, जो कि फॉलो करेंगे हमारा असेंडिंग ऑर्डर। तो अभी आप देख सकते हो 12 और 13 जिनकी फ्रीक्वेंसी 14 से कम है
तो 14, 12 और 13 के बाद में आ जाएगा। चलो वो सब हम अरेंज कर लेते हैं। देखते हैं यहाँ पे सी और डी, उनका फ्रीक्वेंसी 12 एंड 13 था, और जो नोड हमने बनाया हुआ है वो उसके बाद आ गया। यहाँ पे हमने फिर से वो देख लिया, और उसके बाद हम देख सकते हैं कि सी एंड डी के बाद में वो नोड 14 यहाँ पे आ गया है। आगे जाके फिर से यही स्टेप्स हमें फॉलो करनी है। फिर से हमने दो नोड सिलेक्ट कर लिए, सी एंड डी, जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे कम था, उनका एडिशन कर लिया, वो नोड आ गया अभी यहाँ पे 15, और उसके बाद हमें फिर से वो रीअरेंज करना है। तो रीअरेंज करने के बाद जो 14 और 16 था उनका फ्रीक्वेंसी कम है इसलिए वो पहले आ गया, और 25 बाद में चला गया। 14 था इंटरनल नोड ई, वो रूट नोड ही है। 25 अभी बनाया हुआ इंटरनल नोड है, और एफ भी रूट नोड है। तो चलो यही स्टेप्स हम फिर से फॉलो करते हैं। अभी 14 और 16 का एडिशन हो गया, 30 उसका रूट नोड बन गया। फिर से हम ये रीअरेंज करते हैं, रीअरेंज करने के बाद उनका ये सीक्वेंस आ गया। तो ये अभी 25, 30 एंड 45 सभी नोड जो आ रहे हैं वो असेंडिंग ऑर्डर में आ रहे हैं। उसके बाद जो मिनिमम नोड थे 25 और 30 उनका एडिशन करके नया नोड 55 इंटरनल नोड बन गया, और फिर से ये दोनों नोड सिर्फ अभी बाकी है वो रीअरेंज कर लेते हैं। रीअरेंज करने के बाद सिर्फ ये दोनों नोड यहाँ पे बाकी है, और ये ऐसे लिखेंगे। उसके बाद फिर से ये दोनों नोड जो अभी दो ही नोड बाकी है उनका भी हम एक्सट्रैक्ट करके उनका एडिशन कर लेते हैं। वो अभी हमने मैंने नेक्स्ट स्लाइड में दिखाया हुआ है। तो ये जो बन गया वो हमारा रूट नोड बन गया, और वो बन रहा है एडिशन करने के बाद, 45 और 55 का एडिशन करने के बाद। तो मानो चलो ये अभी हफमन ट्री हमारा जनरेट हो गया है। एक ही नोड है जो कि रूट नोड बन गया है, और हम बोल सकते हैं अभी कोई नोड बाकी नहीं है जिसको हम इंसर्ट करना है हमारी ट्री में। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा एल्गोरिथम यहाँ पे खत्म हो रहा है, जिससे हमने हफमन ट्री जनरेट कर दिया है। तो अभी चलो कोड्स भी जनरेट कर लेते हैं। कोड्स के लिए क्या एल्गोरिथम था, एवरी लेफ्ट चाइल्ड को हमें 0 असाइन करना है, और हर एक राइट चाइल्ड को हमें 1 असाइन करना है। सो इन द सेम सीक्वेंस हर एक लेफ्ट चाइल्ड को हमने 0 असाइन कर दिया, हर एक राइट चाइल्ड को हमने 1 असाइन कर लिया, और उसके हिसाब से हर एक कैरेक्टर के लिए हमें वो कोड लिखना है। तो चलो एफ से स्टार्ट करते हैं। एफ के लिए हम रूट से स्टार्ट करेंगे। एवरी लीफ नोड हियर यू कैन सी, अभी आप देख रहे हो एवरी लीफ नोड आर नथिंग बट द कैरेक्टर्स, जो कि हमने पहले टेबल में लिया था। ये सभी कैरेक्टर्स आ रहे हैं, और वो जो सभी है वो लीफ नोड है। हर एक लीफ नोड के लिए हम अभी कोड लिखने वाले हैं। एफ के लिए सिर्फ कोड आ जाएगा 0, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अभी सी के लिए क्या कोड आएगा, तो वो कोड आ जाएगा 100, ये सी के लिए यहाँ पे मैंने लिख लिया है। अभी डी के लिए देखते हैं 101। ए के लिए है 110, बी के लिए है 1101, एंड एट द एंड ई के लिए है 111। तो जो मैंने पहली स्लाइड में बोला था कि जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होता है उसके लिए जो कोड जनरेट होता है वो सबसे छोटा होता है, और जिनका फ्रीक्वेंसी सबसे कम होता है, देखो अभी ए के लिए 5 है, बी के लिए 9 है, उनके लिए जो कोड जनरेट हो रहा है वो सबसे बड़ा कोड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हर एक कैरेक्टर का हमने कोड जनरेट कर लिया है। सो ये सारी बातें हो गई कैसे हमें हफमन ट्री जनरेट करना है, और उसके लिए कोड भी जनरेट करना है। तो थैंक यू डियर फ्रेंड्स, आपने मेरा वीडियो देखा सुना। इफ यू लाइक द कंटेंट एंड द वीडियो, प्लीज आप वीडियो को लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।